राजनीतिक सरगर्मी लोकसभा चुनाव को लेकर तेज हो गई है, वहीं सियासी हलचल भी तेज हो गई है। गोड्डा लोकसभा में अभी तक विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, वहीं बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे को पुनः उतारा गया है। अब आने वाले समय में कितना समय लग रहा है, विपक्ष को क्यों नहीं नया चेहरा उतारा जा रहा है, या विपक्ष के द्वारा उम्मीदवार कौन होगा, हमारे बीच जेएमएम के जिलाध्यक्ष और तेज तरार नेता संजय शर्मा जी हैं, जानते हैं। ये बताइए संजय जी कि चूंकि लोकसभा चुनाव है, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है, ऐसे में अभी तक विपक्ष के द्वारा महागठबंधन की ओर से गोड्डा लोकसभा सीट में अभी तक क्यों नहीं उतारा गया है? गोड्डा लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में है, अन्य सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा महागठबंधन की ओर से हो चुका है, यहाँ भी बहुत जल्द होने वाला है, सारी चीजें फाइनल है। देरी और जल्दी यह राजनीति का पाठ है, हमारी रणनीति का पाठ है। बहुत जबरदस्त कैंडिडेट आने वाला है और उस कैंडिडेट के आगे इस बार निशिकांत जी को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। विपक्ष का चेहरा नहीं होने के कारण निशिकांत दुबे का जो बयान है लगातार, आप विपक्ष के खिलाफ तीखे होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनकी जीत के प्रति आश्वस्त है या उनको डर सता रहा है? जब उनको विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा तो उनको उत्साह होना चाहिए था, तो फिर ये खीज क्यों, ये परेशानी क्यों, उलुल जुलुल हरकत करना, अस्तरहीन बात रखना, ये तो परेशानी का सबब है। अब टावर चौक पर चाय बेचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, क्यों? तो वो समझ रहे हैं कि विपक्ष किस रणनीति पर है और उनको पता है कि उनका जनाधार खिसक चुका है, आज स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। टावर पर चाय बेच लीजिए, उलुल जुलुल बयान दे दीजिए, लेकिन वो रेस नहीं हो पा रहे, उनके कार्यकर्ता ने उनको छोड़ दिया है बीच मझधार में। इस बार का यात्रा निशिकांत जी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है। ये बताइए कि आपके दो मंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी निशिकांत दुबे के द्वारा हो रहा है, साथ ही साथ सीधे कहा जाए कि धमकी दिया गया कि उनके आलाकमान के खिलाफ लगातार कई बयानबाजी जारी कर चुके हैं, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं होती है, दोनों डर के मारे उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाते, क्या कहेंगे? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा डरता तो आज झारखंड हमें नहीं मिलता। हेमंत जी को तो डराने का प्रयास किया गया ना, डेढ़ दो साल से ईडी लगातार समन, लगातार पूछताछ, सोचा डर जाएगा, घुटने पर आ जाएगा, आया क्या? उन्होंने जेल का राह पकड़ा, संघर्ष का राह पकड़ा, और आज जेल जाने के बाद देख ली झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने तेवर से खड़े हैं। अब रही बात उनके वो जो बदजुबानी कर रहे हैं उनका, तो उनके द्वारा कहे गए बात में कोई दम हो तब तो उनका जो व्यक्तव्य होता है उसमें कोई डेप्थ नहीं होता है, कोई सीरियस उनको नहीं लेता है। अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं तो उनके दल के नेता भी कहां उनको अप्रिशिएट करते हैं, दिखा दीजिए एक भी कि निशिकांत जी वाह गजब का आपने बात कहा है। लेकिन इतने बड़े बयानबाजी के बाद कि दोनों मंत्री डरते हैं लेकिन दोनों मंत्री की ओर से कोई बयान अभी तक जारी नहीं हुआ, क्या कारण? जरूरी नहीं है इनके बात पर बयान देना ना, कोई जरूरी नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूं बार बार, इनका इतिहास देखिएगा तो ये फुहड़बाद रखते हैं, राजनीति में फुहड़बाद का जगह नहीं है, समय जाया क्यों करे लोग, इनके बात को जवाब देने से क्या मिल जाएगा? और इनका एक बात स्थिर रहे तब ना, कब क्या बोल देंगे, अभी इन्होंने कहा मैं प्रचार नहीं करूंगा, देखना है, मैं चुनौती देता हूं कि अपने बात पर अटल रहिएगा आप, कोई केंद्र का नेता नहीं उतरेगा आपके मैदान में, कोई हीरो हीरोइन नहीं आएंगे यहां, कोई प्रचार गाड़ी आपकी नहीं ना निकलेगी, तो इस तरह से बात करते हैं। देख लीजिए, मैं खुला चुनौती देता हूं कि एकदम आप प्रचार नहीं करिएगा, आप अस्वस्थ हैं, आप इतने लोकप्रिय नहीं है निशिकांत जी कि आपको लगने लगा आप निर्विरोध हो जाइएगा, आपके जैसा निर्विरोध होने लगे ना तो देश का प्रजातंत्र बचेगा क्या? नहीं बचेगा, इसलिए इनको इस बार जाना है, हताशा है, इनकी झुंझलाहट है, इनकी खीज है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। जेएमएम में अगर जिस तरह से देख रहे हैं बागी तेवर, एक तरफ से बगावत, सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के भाभी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वहीं अब लोबिन हेम्ब्रम राजमल से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बात कर रहे हैं, क्यों आखिर बगावत क्यों हो रही है जेएमएम पे? एक कोई बगावत नहीं है, विपक्ष के द्वारा लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, और एक आज जाने आने से कोई पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता, सारे लोगों में है। अभी तो जेपी पटेल उनके यहां से यहां गया, उनके तो विपक्ष के नेता थे, बाबूलाल जी को विपक्ष का नेता नहीं बना पाए, उनको विपक्ष का नेता बना, सबसे बड़ा नेता था वो ही चले गए। सीता सोरेन के जाने के बाद आप दिखा दो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया या मीडिया में दिया है कि सीता के जाने से हम हताश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लोबिन हेम्ब्रम हो,
वो निर्णय ले सकते हैं, अपना उनका राजनीतिक जीवन है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफी लोगों को आते जाते देखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्था है। आज उनके पार्टी में मेरे नेता जाके नेता बने हुए हैं। अर्जुन मुंडा कहां से गया हुआ, विदुर महतो कहां से गया हुआ, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उतने ही चट्टानी एकता और मजबूती के साथ आज भी मैदान में है और इस बार यहाँ से भाजपा को मुंह को खाना पड़ेगा। ये भी बातें सामने आ रही है कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गोड्डा लोकसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ये महागठबंधन का फॉरम तय करता है। अगर महागठबंधन के फॉरम को लगेगा कि हेमंत सोरेन भी यहाँ का उम्मीदवार हो सकते हैं तो इनकार कैसे किया जा सकता है? क्यों नहीं खड़ा हो सकता हेमंत जी? हेमंत जी की लोकप्रियता इतनी है कि झारखंड के किसी भी सीट पर जाएंगे। इवन तो उन्होंने जो सरना धर्म कोड को जो लाया विधानसभा में, इससे जो पूरे देश में उनकी लोकप्रियता हुई है, वो कहीं भी खड़े होंगे तो उनको दोनों हाथ से लोग लोक लेंगे। गोड्डा क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन ये महागठबंधन के फॉरम तय करेगा। और अगर वो आते हैं तो यहाँ के जनता के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए अति उत्साह का चीज होगा। क्या लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन का चेहरा या वो उम्मीदवार के रूप में गोड्डा लोकसभा में आते हैं तो 3 बार से जीत लगातार हासिल करने वाले निशिकांत दुबे को शिकस्त दे पाएंगे? हेमंत जी का चेहरा ही हमारे राज्य में चलेगा। हेमंत जी हर 14 सीट पर यूं समझा जाए खड़ा है। उनकी लोकप्रियता के बल पर ही महागठबंधन यहां लड़ेगा और इस बार उनकी लोकप्रियता के आगे भाजपा के तमाम कैंडिडेट, इवन गोड्डा के जो अपने को एक तरह से स्वयंभू नेता अपने को कहते हैं, वो भी बोना पड़ने वाले हैं। इसलिए चेहरा तो हेमंत ही होंगे, चाहे वो नॉमिनेशन करे या नॉमिनेशन नहीं करे। महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी होगा, लेकिन वह चेहरा हेमंत जी का होगा, वही चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से गोड्डा वासियों को इंतजार है कि आखिर विपक्ष का कौन चेहरा होगा, निशिकांत दुबे के खिलाफ कौन होगा, कौन टक्कर देगा निशिकांत दुबे को, कब तक इंतजार करना पड़ेगा गोड्डा वासियों? निशिकांत दुबे को टक्कर महागठबंधन के प्रत्याशी देंगे और बहुत जल्द हमारा प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा और बहुत मजबूती से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर गोड्डा से आपके विपक्ष की ओर से चेहरा आता है, क्या लग रहा है कि जो लगातार जीत हासिल हैट्रिक कर चुके हैं निशिकांत दुबे, उसको रोक पाएंगे आप लोग? निशिकांत दुबे की अपनी कोई यहाँ लोकप्रियता नहीं है, वो तो 2014 में माननीय मोदी जी को एक सुपरमैन की तरह देश में प्रस्तुत किया गया और लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैलाया गया कि अच्छे दिन आ जाएंगे, 15 लाख खाता में आ जाएगा, तरह तरह का बात हुआ। उसमें उस झांसे में यहाँ की जनता ने उनको वोट किया। निशिकांत जी का न कोई ऐसा ग्रास रूट पर काम है, आम पब्लिक के लिए कोई काम है, आम जनता के लिए कोई काम है कि लोग उसको समर्थन करें। ये तो समय का एक उपज हो गया है, एक्सीडेंटली ये सांसद बनते जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो चीज समाप्त हो जाएगा। आप जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं, मुखर नेता है, इसलिए झारखंड की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी रखते हैं। ऐसे में अगर 14 लोकसभा सीट की बात किया जाए तो कितनी सीट आपको महागठबंधन को मिलेगी? 8 से 9 सीट महागठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है, वो 4 से 5 के अंदर में भाजपा सिमट जाएंगे, जिसमें गोड्डा भी। और अगर यह चीज जो अभी दिख रहा है, मैं आगे अगर बोल दूं तो क्लीन स्वीप होने का चांस है भाजपा का, जिस तरह से समा बनते जा रहा है। अभी तो मैं 8-9 कह रहा हूँ, हो सकता है कल 14 में से एक भी सीट उनको नहीं मिले, बढ़ सकते हैं एकदम पक्का। कल्पना सोरेन का आगमन महापरिवार महागठबंधन के लिए या जेएमएम के लिए मजबूरी या मजबूती? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, कल्पना मैम का राजनीति में पूर्णतः सक्रिय हो जाना मोदी जी को चुनौती, अमित शाह जी को चुनौती। क्या सोचा था आपने कि हेमंत जी को अंदर जेल में डाल देंगे तो पैक हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा? ये तो खुला चुनौती है कि हेमंत जी को आपने अंदर किया तो लीजिए कल्पना जी मैदान में आए हैं, कितने को अंदर करिएगा? यहाँ का हर एक आदमी सोरेन परिवार है, यहाँ का हर एक मूलवासी आदिवासी शिबू सोरेन है। ये चुनौती है और हम ताल ठोक रहे हैं कि तुमने जो किया उसका हम लोगों का जरा सा इसी हिरण शरीर में नहीं हुआ, आज दुगुने जोश से हम लोग आ गए, अब आप झेलिए। निशिकांत दुबे का एक दुमका कोर्ट के दौरान मीडियाकर्मी से बयान दिया है, उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में गांडे उपचुनाव में आपका कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और कल्पना सोरेन अगला मुख्यमंत्री होंगी। अब देखिए कितना खघटिया शब्द है, धक्का मार के निकाल देगा, यह तो संसदीय प्रणाली का एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि हम नेता दल वाले चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं,
आज हेमंत जी अंदर गए हैं तो सरस्वति से चंपई जी को बैठाया गया है। कल अगर राजनीतिक परिस्थिति हमारे लिए होगा कि नहीं चेहरा बदला जाए तो बदला जा सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं बदला जा सकता है। इससे निशिकांत जी को परेशानी क्या है? और कौन राज्य में नहीं होता है, नेता का चयन किया जाता है, दूसरे नेता को बताया जाता है। बाबूलाल जी को उन लोगों ने विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया था ना, तो उन्होंने जो बदला, जेपी पटेल को वह भी नहीं रहा उनके पास, उन्होंने क्यों बदला? तो वो खींच रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। हेमंत सोरेन का लाभ हर घर में, हर गांव में, कोई ऐसा झारखंड में घर नहीं है कि एक लाभ नहीं ले रहा, दो लाभ नहीं ले रहा, तीन लाभ नहीं ले रहा। अब इनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो हताशा है, खींच रहे, माथा पीट रहे हैं, तांत्रिक जैसे बात कर रहे हैं। गजब बेचैनी है, तीन बार का सांसद का बेचैनी देखने लायक है। लेकिन निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि अगर जेएमएम के कोई उम्मीदवार उतरते हैं या कांग्रेस से अगर प्रदीप यादव उम्मीदवार होते हैं तो वो प्रचार नहीं करेंगे। क्या लगता है प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे? इनके इन बातों में कितना दम है वो आने वाला समय में दिख जाएगा। अपने बात पर अटल रहे निशिकांत जी, एकदम प्रचार न करें। अगर आपको लगता है, देखेंगे प्रचार गाड़ी नहीं निकालेंगे, कोई केंद्र का नेता नहीं उतरेगा, कोई हीरो हीरोइन नहीं उतरेगा, ये अपने बात पर अटल रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी की बात है, या जो स्टार्ट नहीं ले पा रहे, सरगर्मी उनके तरफ नहीं बन रहा, कार्यकर्ता ने जो उनको छोड़ा है तो उस कार्यकर्ता को बुस्टअप करने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। एम्स और एयरपोर्ट का श्रेय ले रहे हैं, साथ ही साथ विकास का दावा कर रहे हैं कि गोड्डा में काफी कुछ विकास हुआ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। निशिकांत जी का कोई प्राइवेट फंड था क्या, एयरपोर्ट बना या एम्स बना? और किस मुंह से कहते हैं इतना सफेद झूठ? 2012 में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, हमारी पार्टी यहाँ सरकार में थी, वहां मनमोहन जी थे, इन्होंने कैसे ला दिया? मनमोहन सिंह जी के समय में एक प्रोस्पेक्टिव प्लान देश में बना था कि एम्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, उसके लिए बजटीय व्यवस्था किया, एक दिन में आ गया क्या? आज गया और लेके चला आया। उसके लिए जो सरकारें होती है वो कल्पना करती है, प्लानिंग करता है। मनमोहन सिंह जी के यूपीए के सरकार के समय का टोटल प्लानिंग का चीज धरातल पर उतर रहा है। फूड सिक्योरिटी एक्ट किनका बनाया हुआ, उनके लिए बजटीय व्यवस्था किस सरकार ने किया? अब इस काल में लोगों को लाभ मिल रहा है, पौधा किसने लगाया, घास रोपने का काम किसने किया, आज फल दे रहा है तो कहता मैंने भी फल दिया। एक उदाहरण बता दे निशिकांत जी कि केंद्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए एक योजना इंट्रोड्यूस किया है देश में, यूपीए सरकार के यूपीए फोल्डर का बनाई हुई योजना को छोड़कर वो बता दे, खुला चुनौती है। महागठबंधन में पिछले बार का 2019 का चुनाव का देखा जाए तो आपस में कुछ मतभेद रहा जिसके कारण भारी मतों से निशिकांत दुबे जीते, इस बार भी रहे या मतभेद यार नहीं रहेगा? सारी पहलुओं पर हमारे महागठबंधन के नेता ने बात किया है और देखा है, अतीत में जो भूल चूक हुआ है, अतीत में जो चीजें हुई है, उन चीजों को इस बार नहीं होने दिया जाएगा और कहीं कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। एक ही बात होगा कि हम बाहरी लोगों को यहाँ नहीं चुनेंगे, यहाँ का मूलवासी आदिवासी जिसका नाभि जमीन पर गड़ा है वो हमारा सांसद और विधायक होगा। इस बार जिस तरह से सरगर्मी काफी तेज हो गई और विपक्ष काफी, जैसे कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्या सचमुच लगता है कि विपक्ष महागठबंधन डरा हुआ है निशिकांत दुबे से? निशिकांत दुबे जी डरे हुए हड़बड़ा गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, उनका एक्टिविटी देख लीजिए ना। अगर ऐसा बात है तो पता कर लीजिए, जितने मीटिंग में जा रहे हैं तो लोगों को कह रहे हैं कि इस बार लगना पड़ेगा, ये शब्द है, इस बार सबको लगना पड़ेगा, निशिकांत जी अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं, मगर लग कोई नहीं रहा, भीड़ नहीं लग रही है, तो डर उनको समाया हुआ, परेशान हुए हैं, उनके हरकत बता रहे हैं, उनके बयानबाजी बता रहे हैं, उनकी चाल बता रहा, टावर चौक पर चाय बेच रहे हैं। जो सांसद कोरोना काल में क्षेत्र में नहीं रहता हो, जो सांसद के आने के बाद गरीब गरुआ की भीड़ उनके यहां नहीं लगती हो, मैंने काफी सांसद देखे 30 साल का राजनीति जीवन में, कोई सांसद आता था तो गरीब गरुआ लोग भर जाता था, एक भी आदमी नहीं जा रहा उनके पास, तो उनकी हड़बड़ाहट है, उनको पता चल गया है कि इस बार उनका यहाँ का हारना निश्चित है। तो एक और सवाल और अंतिम सवाल है, जिस तरह से गोड्डा लोकसभा को लेकर गोड्डा वासियों की बेचैनी बढ़ गई है, निशिकांत दुबे लगातार मुखर होते जा रहे हैं विपक्ष की ओर, तो क्या इस बार उनका हैट्रिक लगेगा या शिकस्त देंगे और भेजेंगे? वो जीते कहाँ है कभी? निशिकांत दुबे का कोई पॉपुलरिटी नहीं है, न कोई पकड़ है क्षेत्र में,
वो तो एक बताया मैंने ना कि जो 2013-14 में जो मोदी जी को एक सुपरमैन की तरह पेश किया गया देश में, और लोगों को दिवा स्वप्न दिखाया गया, बड़ी बड़ी कल्पनाएं में लोगों को डुबो दिया, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा, 50 रुपया तेल मिलेगा। तो उस झांसे में लोग आ गए और उसमें लोगों ने देखा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रयोग किया जाए देश में, और यूपीए को हटाया। उसी क्रम में निशिकांत जी जीते। निशिकांत जी का अपनी कोई जीत नहीं है, अगर वैसी बात है तो आज जहां वो जाते भीड़ लग जाती। लेकिन निशिकांत दुबे का एक नारा आया है कि 9 लाख पार, इस बार 9 लाख पार और केंद्र में 400 पार। ये एकदम व्यवहारिक बात वो कर रहे हैं। लगता है 3 बार सांसद रहने के बाद शायद उनको डाटा पता नहीं है कि मतदाता की संख्या उनके पार्लियामेंट में क्या है। और सही में कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 9 लाख पार नहीं, 9 लखा पार वाला हिसाब किताब बात है। जो एक सांसद में पूछता हूं, देखिए जब 2009 में आए तो जनरल डब्बे में चढ़ के स्टेशन पर आए, आज इतने परिसंपत्ति के मालिक हो गए हैं। तो वो बात वो कर है कि इस बार उनकी परिसंपत्ति लगता है और मल्टीपल बढ़ने वाला है, उसकी वो सपना देख रहे हैं, लेकिन वो होना नहीं है। इस बार सारे उनके सपने, काल्पनिक सपने चकनाचूर होंगे। ये थे संजय शर्मा, जेएमएम के जिलाध्यक्ष, चूंकि झारखंड के राजनीति का काफी जानकारी रखते हैं, और इन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का जो काल्पनिक सपना है वो इस बार चूर चूर होगा। साथ ही उन्होंने संभावना जताया है कि इस बार गोड्डा लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने दावा किया है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट में से 8 से 9 सीट उनकी झोली में जाएगी। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।